हेलो फ्रेंड, मैं नितेश, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल स्मोकिंग व्हील्स पे। और आज आपके सामने आए हुए एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बहुत सारी कंपनियां हैं, चाहे वो टू व्हीलर इंडस्ट्री हो या फोर व्हीलर हो, सारी कंपनियां सीसी पे बड़ा जोर देती हैं कि उनकी गाड़ी की सीसी कैपेसिटी क्या है। सीसी क्या होता है? सीसी होता है इंजन का कैपेसिटी, जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है। क्यूबिक कैपेसिटी इसको हम बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं सेंटीमीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर जिसको हम बोलते हैं। तो सीसी पे बहुत जोर देती हैं और बहुत जोर देके ये अपने गाड़ियों का प्रमोशन करती हैं कि हमारी जो टू व्हीलर है वो चाहे 100 सीसी की गाड़ी हो, चाहे वो 150 सीसी की गाड़ी हो या 350 सीसी की गाड़ी हो, तो बहुत ही जोर देके बोलती हैं कि 100 सीसी की बाइक है, 150 सीसी की बाइक है या 350 सीसी की बाइक है। तो ऐसा वो क्यों करती हैं? क्योंकि वो उस पर बहुत जोर देती हैं कि हमारी गाड़ी का सीसी इतना है, तो ज्यादा अच्छी गाड़ी होगी, ज्यादा पावरफुल गाड़ी होगी। बट वो जो सीसी बताते हैं, क्या वो सीसी एक्चुअल होता है? क्या उतना ही सीसी उस गाड़ी का होता है? ये जानने के लिए आज का वीडियो पूरा देखिएगा, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा कि किसी भी गाड़ी की सीसी को आप कैसे निकाल सकते हैं। सीसी निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप सीसी निकाल सकते हैं 5 मिनट के अंदर। उसका एक फॉर्मूला होता है, उसी पर हम आज बात करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए होंडा है या हीरो है, हीरो की कोई भी गाड़ी ले लीजिए, मान लीजिए स्प्लेंडर प्रो मैंने लिया एग्जांपल में, वो बताते हैं कि मेरे लिए 100 सीसी की स्प्लेंडर बाइक है। और मेरी खुद की गाड़ी है यमहा या जेड, जब मैंने लिया था तो मैं भी इसी कंफ्यूजन में था कि 150 सीसी की बाइक है, तो उस पर उन्होंने लिख के दिया था कि 153 सीसी की बाइक है। और अगर रॉयल एनफील्ड की बात करें, जो काफी फेमस है आज के समय में, वो बोलते हैं क्लासिक 350 को हम सोचते हैं 350 सीसी की बाइक है। तो क्या एक्चुअल में वो 350 सीसी की है या कम है या ज्यादा है? तो इसी बारे में हम बात करने के लिए सामने आए हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल सीसी गाड़ी की क्या होती है, उसको कैसे निकालें, बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए उसके लिए हम आपको अपने ब्लैक बोर्ड पर ले चलते हैं, अपने क्लासरूम में, और बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं कि सीसी किसी गाड़ी की हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए क्लासरूम में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने क्लासरूम में और हम इस व्हाइट बोर्ड की सहायता से अब जानने की कोशिश करते हैं कि सीसी कैसे निकालते हैं। तो सीसी निकालने के लिए फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अगर आपने याद कर लिया तो आपको सीसी निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, चुटकी में सीसी निकाल सकते हो किसी भी गाड़ी का। तो फॉर्मूला क्या है, चलिए पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला है सीसी इक्वल टू पाई अपॉन 4, यहां से देखिएगा, इंटू बोर का स्क्वायर इंटू स्ट्रोक इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर। ये है फॉर्मूला जिसकी सहायता से आप आसानी से किसी भी गाड़ी का सीसी निकाल लोगे। अब इस फॉर्मूले में दो नए वर्ड आ गए, तीन नए वर्ड आ गए, पाई आ गया, बोर आ गया, ये कोई वर्ड नहीं है तो फॉर्मूला है, बोर और स्ट्रोक। सिलेंडर आपको पता होगा, गाड़ी का सिलेंडर। अब सीसी निकालने के लिए आपको उस गाड़ी का बोर और स्ट्रोक पता होना चाहिए। अब बोर और स्ट्रोक क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि कैसे आप बोर और स्ट्रोक पता कर सकते हैं गाड़ी का। तो मैंने यहां पे एक फिगर ड्रॉ कर रखा है, यह फिगर देख के समझ रहे होगा, थोड़ा बहुत आपको गाड़ी के आपके सिलेंडर से रिलेटेड नॉलेज होगा तो आप ये देख के समझ सकते हो। ये है पिस्टन, ये है सिलेंडर। तो किसी भी सिलेंडर में जो इस सिलेंडर की डायमीटर होती है, मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है, इस तरीके से समझो, ये पोर्शन जो होता है डायमीटर, यहां से यहां तक का जो डायमीटर होता है उसको हम बोलते हैं बोर। और ये आपका पिस्टन है, तो पिस्टन आपका अप डाउन होता है सिलेंडर में। तो ये जो पिस्टन अप डाउन होता है, ये जो लेंथ होती है, जितना अप डाउन होता है टॉप टू बॉटम, जो लेंथ होती है उसकी, वो लेंथ, मतलब आप इसको स्ट्रोक लेंथ बोल सकते हैं या स्ट्रोक बोल सकते हो। तो जो लेंथ होती है वो होती है स्ट्रोक। अब किस चीज की लेंथ? पिस्टन के मूवमेंट की लेंथ टॉप टू बॉटम। इसीलिए मैंने यहां एरो लगाकर बता दिया है कि यहां से यहां तक आपका पिस्टन जाएगा, अप डाउन करेगा, तो वो जो लेंथ है वो स्ट्रोक कहलाती है, इसको हम स्ट्रोक लेंथ भी बोलते हैं। ये हो गया बोर, जो सिलेंडर का डायमीटर हो गया, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ये जो डायमीटर आपका है, ये जो डायमीटर आपका है, ये आपका बोर हो गया। ये जो मूवमेंट करेगा अप डाउन जो मूवमेंट करेगा, जितनी दूर मूवमेंट करेगा वो क्या होगा? स्ट्रोक लेंथ होगा। तो अभी समझ में आ गया होगा, इसके बारे में बहुत डीप जानने की जरूरत नहीं है, इतना ही जानिए कि बोर स्ट्रोक क्या होता है।
मूवमेंट जो पिस्टन की मूवमेंट होती है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है स्ट्रोक लेंथ, इसको स्ट्रोक बोलते हैं। और सिलेंडर में जो उसकी डायमीटर होती है उसको बोलते हैं बोर। अब बोर और स्ट्रोक हम पता कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, दो एग्जाम्पल लेंगे। तो पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं रॉयल एनफील्ड का, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफरेंस उसी में आता है। जैसा कि हम लोग आम जो बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि क्लासिक 350 है, यानी कि तो 350 सीसी की वो बाइक है, या थंडरबर्ड जो आती है वो 350 है, या 500 सीसी की गाड़ी है, आरई 500 है, आरई 350 है, क्लासिक 350 है, क्लासिक 500 है। क्या वो एक्चुअल में 350 होती है, 350 सीसी की बाइक होती है, या उससे कम होती है? तो उसको हम कैसे जानेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उस गाड़ी का बोर और स्ट्रोक चाहिए होगा, कितने सिलेंडर है वो जानकारी चाहिए होगी। तो मैंने साइड में डिस्प्ले कर दिया है, वो जो डिस्प्ले किया हुआ है मैंने साइड में, ये मैंने रॉयल एनफील्ड के ब्रोशर्स का इंजन वाला पोर्शन क्रॉप करके आपके लिए मेंशन कर दिया, जिससे आप जान सकते हैं कि उस गाड़ी का बोर कितना है, स्ट्रोक कितना है। हालांकि इसके अलावा आप अगर किसी भी टू व्हीलर गाड़ी का या फोर व्हीलर गाड़ी का सर्विस मैनुअल चेक करोगे, उसकी गाड़ी के साथ आपको सर्विस बुक मिलती है, उसको आप चेक करोगे, उसमें भी आपको उसका बोर और स्ट्रोक मिल जाएगा, और कितने सिलेंडर की गाड़ी वो भी मिल जाएगा। तो आप सामने देख सकते हैं मैंने डिस्प्ले कर दिया, टेक्निकल डिटेल्स में सारे दिए हुए इंजन से रिलेटेड, वही इंजन वाले पोर्शन में ही आपको मिल जाएगा उस गाड़ी का बोर और स्ट्रोक। तो अब हमको क्या क्या चाहिए, रॉयल एनफील्ड 350 सीसी का क्लासिक का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो पहले हम गाड़ी का हमको चाहिए बोर, उसके बाद चाहिए हमको स्ट्रोक, ये दोनों चीज चाहिए, और चाहिए सिलेंडर, कितने हैं सिलेंडर, नंबर ऑफ सिलेंडर। अब हम सीसी को क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में उसको हम डिनोट करते हैं। अब बोर अगर आप रॉयल एनफील्ड का देखोगे तो आपको दिखेगा वहां पे बोर जो गाड़ी का है वो कितना है, 70 mm है, और स्ट्रोक कितना है, 90 mm है, सिलेंडर कितना है, 1 है। हमें अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में ही निकाला जाता है आपका ये सीसी। तो ये हो जाएगा 7 cm, ये हो जाएगा 9 cm, नंबर ऑफ सिलेंडर एक ही है, तो रहेगा। अब ये समझ में आ गया आपको। अब तीसरा वर्ड आता है पाई। अब पाई पाई बटा 4 है, तो इसकी भी एक वैल्यू होती है पाई। सबसे पहले हम पाई की वैल्यू क्या होती है वो जान लेते हैं, पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है वो पता हो जाएगा हमको, तो हम निकाल देंगे। पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 होती है। 3.14 क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है। यहाँ पे 0.4 लिखा हुआ है, तो अपान 4 कर लेंगे। अब 3.14 अपान 4, इसकी भी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो निकल के आएगा 0.7854। तो हमको ये वैल्यू ही पुट करना है, ये निकल के आएगा, ये रहा फॉर्मूला। अब ये वैल्यू निकल के आ गई, तो हम क्या करेंगे, इतने की वैल्यू जो निकल के आई वो ये निकल के आई, पाई की वैल्यू 3.14 हो गई, अपॉन 4 था उसको हमने कैलकुलेट करके निकाल दिया, ये आ गया। तो हम फॉर्मूला में यहां पे रख लेंगे यार, 0.7854 इंटू, हम किस गाड़ी का निकाल रहे हैं, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का, उसका बोर कितना है, 7 cm। अब 7 इंटू अगेन 7, क्योंकि उसका स्क्वायर है बोर का। स्ट्रोक कितना है, 9 cm इंटू 9। नंबर ऑफ सिलेंडर कितना है, 1, ये आपका जो निकल के आएगा वो हो जाएगा गाड़ी का सीसी, एक्चुअल सीसी। अब ये कितना निकल के आएगा, 346.36। ये है गाड़ी की एक्चुअल सीसी, ना कि 350 सीसी। तो ये सीसी है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किसी भी गाड़ी की सीसी कैसे निकाल सकते हैं। तो क्या रॉयल एनफील्ड का 350 सीसी है गाड़ी का, या 346 सीसी है, 346.36। अब आराम से किसी को बता सकते हो कि इस गाड़ी की सीसी कितनी है, आराम से निकाल के दिखा सकते हो। उसके लिए आपको टेक्निकल डिटेल थोड़ी सी इंजन की से रिलेटेड उसके ब्रोशर से निकालनी पड़ेगी, या सर्विस मैनुअल से निकालनी पड़ेगी। अब ये एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल हमने आपसे क्या बोला था, दूसरा एग्जांपल हम निकालेंगे मेरी खुद की गाड़ी का, जो है यामाहा की FZ, ठीक है, यामाहा की FZ गाड़ी। अब क्या चाहिए आपको, इस गाड़ी का सर्विस मैनुअल। तो
आप ऊपर देख लीजिए, मैंने अगेन डिस्प्ले कर दिया है। यमाहा की एफजेड गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी का ही डिटेल है। कंपनी ने जो मेंशन किया था वो मेंशन किया था 153 सीसी। क्या इस गाड़ी का 153 सीसी कैपेसिटी है इंजन की? इंजन की कैपेसिटी को ही सीसी बोलते हैं हम, तो क्या 153 सीसी की गाड़ी है? तो आप पहले हमको निकालने के लिए क्या चाहिए, पहले हमको उसका बोर चाहिए। बोर कितना है इस गाड़ी का? बोर है 58 मिलीमीटर और स्ट्रोक कितना? 57.9 मिलीमीटर। नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने दिख रहे हैं इसमें आपको? जनरली टू व्हीलर जो आती है वन सिलेंडर की गाड़ी आती है। तो ये इसका बोर हो गया और स्ट्रोक हो गया। अब ये मिलीमीटर में है, आगे हमें क्या करना पड़ेगा? इसको आगे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आएगा 5.8, ये आएगा 5.79 सेंटीमीटर। 5.8 और 5.79 सेंटीमीटर आ जाएगा सिलेंडर। अब इसको हम फिर यहां रख देंगे तो इस गाड़ी का क्या निकल के आ जाएगा? इस गाड़ी का निकल के आ जाएगा सीसी। कितना है ये? इसका बोर कितना हो गया? 5.8 × 5.8 क्योंकि ये स्क्वायर है। और ये कितना आ जाएगा स्ट्रोक आपका? 5.79 × नंबर ऑफ सिलेंडर एक। तो क्या निकल के आएगा ये आप हमें बताओ। दो मिनट, एक मिनट का टाइम दो आप। एक मिनट क्या, 10 सेकंड का। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप तुरंत निकाल सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला मैंने दे दिया है तो आपको निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आगे आपने निकाल लिया होगा, चलिए कोई बात नहीं। अगर आपने नहीं निकाला है तो मैं बता देता हूं, 152.97 सीसी और कंपनी क्या बताती है? 153 सीसी बताती है। तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था। मैंने इसीलिए इसका एग्जाम्पल सेकेंड टाइम लिया, पहली बार मैंने लिया था क्लासिक 350 का। सेम इसी तरीके से आई थिंक अब दोनों गाड़ी का आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया तो आपको निकालना काफी आसान हो जाएगा। आप किसी भी गाड़ी का निकाल सकते हो इस तरीके से। अब स्प्लेंडर प्रो आती है एक गाड़ी जो कि सबसे कम सीसी की होती है, 100 सीसी की गाड़ी बोलते हैं। तो क्या वो एक्चुअल में 100 सीसी होती है? नहीं होती है, वो होती है 97.2 सीसी की। अगर आप निकालोगे तो उसका सर्विस डिटेलिंग देख करके आप उसका बोर स्ट्रोक निकाल लेना, सिलेंडर निकाल लेना, फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हो। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या ये गाड़ियां हैं, चाहे वो आपकी एफजेड हुई, चाहे रॉयल एनफील्ड हुई, चाहे होंडा की स्प्लेंडर प्रो हुई, क्या उनकी सीसी जितना वो बताते हैं 153 सीसी, 350 सीसी, 100 सीसी उतनी होती है? नहीं होती है, क्योंकि ये मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अब सीसी निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है आपको, कमेंट करिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। कमेंट करके पूछ सकते हैं। सोशल साइट पे भी मुझे फॉलो करिए। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप जब वीडियो देखते हो तो डिस्क्रिप्शन नीचे होता है, डिस्क्रिप्शन पे आप जब उसको ओपन करोगे, डिस्क्रिप्शन को क्लिक करके ओपन करोगे तो नीचे आपको 3 लिंक मिलेंगे, मेरे फेसबुक पेज का, मेरे ट्विटर पेज का, मेरे इंस्टाग्राम पेज का। उसको आप क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, उसको फॉलो करिए। उससे क्या बेनिफिट होगा? यहां पे तो मैं ऑनलाइन रहता हूं, आपको जवाब दे देता हूं, वहां पे भी अगर यहां पे मैं नहीं जवाब दे पाता किसी किन्हीं कारणों से या देख नहीं पाता हूं, तो अगर मैं उसको क्लिक करके देखता हूं कि वहां पे किसके कोई क्वेश्चन तो नहीं आया, तो वहां पे मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो एक रेड कलर का बटन नीचे आ रहा होगा उसको क्लिक करिए, और यहां पे मेरा चैनल डिस्प्ले हो रहा है जिसका नाम है स्मोकिंग व्हील्स। यहां पे आप क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करते ही नीचे एक बेल आइकन आएगा, घंटे का आइकन आएगा, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन वाले टैब पे आप क्लिक कर दीजिए, जिससे ऑल नोटिफिकेशन इसका ऑन हो जाएगा। उससे क्या बेनिफिट होगा? जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले देखने का मौका उसको आपको मिलेगा, सबसे पहले मेरा वीडियो आप देख पाएंगे। तो इसी तरीके से बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सपोर्ट करिए चैनल को ग्रो करने में। आपका कोई सजेशन है वो भी मुझे बताइए, कोई सुझाव है तो, और क्या क्या आप किस टॉपिक पे और वीडियो देखना चाहते हो। मैं गाड़ी की भी रिव्यूज करता रहता हूँ, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड न्यूज भी लेके आता रहता हूँ आपके लिए। तो इसी तरीके से मैं लेके आता रहूंगा न्यूज, रिव्यूज और कुछ इसी तरीके से जनरल नॉलेज ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको अच्छा लगा, आपकी नॉलेज इंप्रूव हुई, तो अपने पास तक मत रखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उनको भी बताइए कि भाई सीसी निकालना है बहुत आसान है, आप इस तरीके से सीसी निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। बस इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगा किसी दूसरी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। जब तक क्वारंटाइन, जब तक ये कोरोना वायरस का सिचुएशन चल रहा है, तब तक घर में ही रहिए, बाहर मत निकलिए। मेरे वीडियोस का आनंद उठाइए, मूवीज देखिए, बहुत सारी चीजें करने के लिए, घर के काम करिए, मूवीज देखिए, खाली टाइम पे मेरे वीडियो देखिए। और बस इतना ही कहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।